हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मिका आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये मैं आस्तीन की डिज़ाइन लेके आई हूँ। हमने आस्तीन कट कर ली है। सबसे पहले हम बराबर करके इस तरह से हम नाखून से क्लेज बना लेंगे। ऊपर से हम 2 इंच छोड़ देंगे। इस तरह हम डबल बुकरम लेंगे। चौको इस तरह हम पलट देंगे। तीन इंच पर हम इस तरह से तिरछा निशान लगा लेंगे। हम इससे छोटा काट कट कर लेंगे डिजाइन इस तरह से, और ये हम कपड़े पे लगा के हम सिलाई कर लेंगे इस तरह से। हमने बुकरम कपड़े पे लगा लिया है इस तरह से डिज़ाइन हमने। अब हम क्या करेंगे, अब हम कपड़े की कटिंग कर देंगे। आधा आधा इंच कपड़े को छोड़कर हम कटिंग करेंगे। इस तरह से हमें 4 खाने बना लेने हैं, 2 बड़े 2 छोटे। हमने इस तरह से सिलाई कर ली है बुकरम पर। जहाँ हमने 2 इंच का निशान लगाया है, वही हम इस वाले निशान को, इस जगह को यहाँ पर मिलाकर रखेंगे। और इसी तरह हम बीच में हम एक सिलाई कर लेंगे। बीच में हम एक सिलाई करेंगे, फिर हम यहाँ से 2 इंच का निशान लगाएंगे। वैसे लगा लेना है, 2 इंच का निशान लगाएंगे। इससे छोटा खाना रखेंगे। इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बन गया है। कितना अच्छा डिज़ाइन बनकर आया है हमारा आस्तीन में। हमने दोनों आस्तीन तैयार कर ली हैं इस तरह से डिज़ाइन बना के। अब हम क्या करेंगे, अब हम नीचे की साइड में हम झाले 3.5 इंच की हमने पट्टी ली है, और इसे हम डबल करके हम इस तरह से हम प्लेटें भरते चले जाएंगे इस तरह से। और नीचे की साइड में हमने झाले लगा दिए, प्लेटें भर ली हैं हमने। बहुत ही अच्छी लग रही है आस्तीन तैयार होकर।